इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन की। मैं प्रशांत भटनागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है, पहले तो हम इसको जान लेते हैं। और ये मैं बिल्कुल आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा, कोई टेक्निकल इसमें वर्ड का आपको यूज़ नहीं करूंगा, जैसे आपकी पूरी तरह समझ में आ जाए जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए, होता क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन आप एक तरीके से समझ सकते हैं, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आप न्यूज़ देखते हैं, या फिर आपका एक तरीके से लोगो होता है, वेक्टर होता है, या फिर आपकी पैम्पलेट होती है, मैगजीन कवर डिज़ाइन होती है, ये जितने भी आपके सारी डिज़ाइनिंग होती है, ये सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंडर में आती है। और इनके लिए एक ग्राफिक डिज़ाइनर को रखा जाता है, और वेबसाइट हो गई, ठीक है, इन पर भी आपको ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, अब कितना बड़ा एरिया हो गया आपका, और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये तो आप जानना है कि विज्ञापन के बिना कोई भी कंपनी नहीं चल सकती, ऐड के बिना, तो इसलिए इसका जो स्कोप है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और बाहर भी है और इंडिया में भी है। तो आप कहीं भी इसकी जॉब को कर सकते हैं। अब इसमें एक आपकी शर्त है कि अगर आप इसको करना चाहते हैं, तो आप इसको 12th लेवल के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, या फिर मास्टर डिग्री के बाद भी कर सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि ये कब करना चाहिए, बस इसमें एक शर्त है, अगर आप क्रिएटिव है, ठीक है, आपका क्रिएटिव माइंड है और कुछ आप नया कर सकते हैं, तो इस फील्ड में आप आइए, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं इसको सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज करिए, कोई कंपनी है, वो अपना लोगो बनाना चाहती है, ठीक है, अब कंपनी चाहती है कि बहुत अच्छा एक लोगो बने, तो अब वो आपको वर्क देते कि आप एक लोगो बनाइए। अब लोगो आप बनाने के लिए कई आइडियाज लोगे, जो भी ऑलरेडी लोगो चल रहे हैं, बट उनकी आपको कॉपी नहीं करनी, आपको कुछ डिफरेंट उसमें अपनी तरफ से डालना है, क्रिएटिविटी कहते हैं। तो अगर आप में ये है, आप कुछ अलग कर सकते हैं, तो इस फील्ड में जरूर आइए, ये आपके लिए। अगर आपको ड्राइंग में, स्केचिंग में रुचि है, तो भी इस फील्ड में आइए। और ये फील्ड ऐसा है कि इसमें आप कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ता रहेगा, क्योंकि कुछ नया नया करने पर ही इंटरेस्ट लेवल हाई रहता है, एक ही काम को करते करते आदमी बोर हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और एक और इसमें शर्त है कि आप इसमें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा प्रैक्टिकली पे, क्योंकि इसमें देखिए आपका वर्क पे फोकस होता है, आपकी एजुकेशन पे फोकस नहीं होता। इसमें आपको अगर जॉब पानी है, तो आपका वर्क देखा जाएगा। सपोज करिए आपने किसी इंस्टीट्यूट से सीखा, तो वहाँ पर आप कुछ वर्क करेंगे, और कुछ आप अपने घर पे वर्क करेंगे, तो आपको सबको सेव करके रखना है और पोर्टफोलियो एक बना लेना है, ठीक है। पोर्टफोलियो कहलाता है, वो आपको कंपनी में प्रेजेंट करना है, जो भी आपका वर्क होता है उसको पोर्टफोलियो हम कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सारे होंगे कि आपने ये सॉफ्टवेयर में ये बनाया, ये बनाया है, जो भी है आपने बैनर बनाया, सारी चीज़ें आपको दो, तो उससे कंपनी जज करेगी कि आप किस लेवल के बंदे हो, ठीक है, आप में इंटरेस्ट कितना है, और ये आप कितना आप काम कर सकते हो। तो इससे भी सैलरी भी आपकी एक तरह से इंक्रीज होती है, क्योंकि आप में जितनी फिनिशिंग होंगी उतनी आप इसमें सैलरी को पा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं, तो देखिए 12 से 15 हज़ार स्टार्टिंग में आप इसमें हो सकता है, और इसमें आपके 30-40 हज़ार आपकी 6 महीने 1 साल बाद आराम से हो जाती है। और इसमें आगे भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं, आपकी जब एक तरीके से फिनिशिंग जिस दिन आ गई, और क्रिएटिविटी आपकी रंग लाई, तो उसी दिन आपकी एक तरीके से चांदी हो जाएगी, और फिर आप एक तरीके से अच्छी जॉब को, प्रमोशन आपका तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जॉब बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो गई, न्यूज़ एजेंसी हो गई, और आपकी जितने भी स्टूडियो होते हैं आपके उसमें हो गई, और आपके एक तरह के बैनर, पोस्टर और मैगजीन कवर डिजाइनिंग जितने भी हैं, पब्लिकेशन हाउस, इसमें सब आप कर सकते हो, वेबसाइट का भी आप काम कर सकते हो। तो इसमें मल्टीपल ग्रोथ है, तो आप किसी को भी फील्ड को चुन सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर आपके कवर होते हैं, फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, इन डिजाइन हो गया, और आपका एडोब प्रीमियर हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको वीडियो एडिटिंग भी सिखाई जाती है इसमें, और ये 6 महीने का कोर्स भी हो सकता है, 1 साल का भी होता है, और ये आपका डिग्री कोर्स भी होता है। तो ये आपको देखना है आपको कैसे करना है। अगर आपको अच्छे लेवल पर करना है, आपके आज 12th के बाद आप डिग्री कोर्स करना चाहते हो, तो आप ये डिग्री कोर्स कर सकते हो इसमें 3 साल की, और बहुत कुछ आपको इसमें सिखा दिया जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपको एक जॉब के लिए अप्लाई करना है अपने पोर्टफोलियो के साथ, तो आपका एक सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर धीमे धीमे जैसे एक्सपीरियंस होगा, फिर आपकी सैलरी भी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफिक डिज़ाइन किसको कहते हैं। एक तरह से डॉक्यूमेंट की जरूरत ज़्यादा नहीं होती कि आपने क्या कर रखा है,
आपको आना चाहिए, वर्क से ही आपकी इसमें पहचान है। तो आपने वर्क पे फोकस करिए, प्रैक्टिकली करिए, तभी आप इसको को कोर्स को करिए। ये नहीं कि आपने कोई वीडियो देखा या मेरा ही वीडियो दे ये वाला देखा तो आप सोचें कि भाई ये कोर्स कर लेते हैं, कि आप बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा सैलरी है। देखिए ऐसा नहीं करिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तभी उस कोर्स को चुनिए, ये वाला हो या कोई सा भी हो। अब बाई चांस आपका इंटरेस्ट है नहीं, आप क्रिएटिव, आपका माइंड है नहीं, ठीक है, तो आप इस फील्ड में आ गए, आपने कोर्स भी कर लिया, इंस्टीट्यूट तो भाई देखिए सब सिखा ही देंगे आपको, है ना। बट आपकी सैलरी की बात है, अब आपकी कंपनी की बात है कि आपको कंपनी रखेगी कि नहीं रखेगी, ठीक है, क्योंकि उसको तो क्रिएटिव माइंड वाला आदमी चाहिए जो आप बहुत ज़्यादा आप उनका वर्क कर सके। तो वो आपके मेहनत, तो आप हो सकता है एक दो जॉब पा लो फिर, बट आपकी एक ग्रोथ रुक जाएगी, ये निश्चित है। तो इसलिए आप वही बंदे इसमें आए जो इंटरेस्ट जिनका हाई हो, और वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने क्या कर रखा है। तो इसमें सीधी सी बात है, आपका अगर इंटरेस्ट है ड्राइंग में, स्केचिंग में, या फिर जो मैं बताया कि आप कुछ अलग कर सकते हैं, तो इस फील्ड में आप आ सकते हैं और बहुत अच्छी सैलरी को पा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें जल्दी प्रमोशन भी होता है, और इसमें एक तरीके से हाई सैलरी भी हो सकती है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में आप इसमें लग सकते हैं। तो इस वीडियो को चलिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, आगे कुछ और टॉपिक पे लाते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।